सांसद घनश्याम सिंह लोधी ने बालिकाओं को सीबीएसई विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा दिए जाने का मुद्दा उठाते हुए कहा कि एक बेटी या दो बेटियों वाले परिवारों को सीबीएसई के विद्यालयों में सुविधाएं दी जाए। वहीं सांसद घनश्याम सिंह लोधी सदन में केंद्रीय शिक्षा मंत्री से पूछा कि क्या सरकार एक बेटी या दो बेटियों वाले परिवारों को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के विद्यालयों में मुफ्त शिक्षा प्रदान करने का विचार कर रही है, ताकि बच्चों की संख्या को सीमित कर ऐसे परिवारों को लाभान्वित किया जा सके। निजी और सरकारी स्कूलों में इकलौती बालिका के प्रवेश में कोई प्राथमिकता दी जाती है, क्या सरकार का विचार इकलौती बालिकाओं को निःशुल्क उच्चतम शिक्षा प्रदान करने का है? तो वही सांसद के सवाल का जवाब देते हुए केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि सीबीएसई के अंतर्गत आने वाले ज्यादातर स्कूल निजी स्कूल और फीस के मामले और अन्य सभी पहलुओं को संबंधित राज्य सरकारें नियंत्रित करती हैं। बालिकाओं को शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए तमाम योजना चला रही है। हमारे द्वारा लोकसभा में सदन में बालिकाओं को शिक्षा दिलवाने के लिए मामला रखा गया, जिन परिवारों में सिर्फ एक या दो बेटियां हैं उनको सीबीएसई स्कूलों में एडमिशन मिले और उनकी फीस माफ़ हो। सरकार द्वारा इस कदम को उठाया जा रहा है और मैं समझता हूं ये कदम जो सरकार उठाने जा रही है हमारी बहन बेटियों के लिए बड़ा सराहनीय कदम है। और मैं समझता हूं जब बहन बेटियां पढ़ेंगी तो समझता मतलब हमारे देश का नाम रोशन होगा। वहीं केंद्र सरकार के अधीन सीबीएसई स्कूलों में केंद्रीय विद्यालय संगठन की सभी छात्राओं को ट्यूशन फीस का भुगतान करने से छूट दी गई है। इसके अलावा कक्षा 6 से 12 तक की एकल बालिकाओं को किसी भी शुल्क का भुगतान करने से छूट दी गई है।